हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 6.3 का। सो इसमें देखिए, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, वेयर एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। प्रूव करना है कि एबी पीक्यू का रेशियो एडी अपॉन पीएम के इक्वल है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले क्या कहा कि एडी और पीएम ट्राइंगल एबीसी के मीडियन है, ए बी सी के और पी क्यू आर के। तो हम सबसे पहले टू ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, और ये ए डी हमारा मीडियन है और पी एम हमारा मीडियन है, राइट। सो ये हमारे पास गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है हमें, गिवन और क्या हमारा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो देखिए, गिवन टू सेल्फ नोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर? यस, ये तो हम कह सकते हैं। सिमिलरिटी में एंगल इक्वल होंगे आपके अगर सिमिलर है, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट। अब हमें ये पता है कि ये AD मीडियन है और ये भी PM मीडियन है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिमिलर है, इसका मतलब AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, और हमारा ये है AC अपॉन PR, ये दोनों इक्वल होंगे। तीनों सिमिलर अगर है तो ये इक्वल होंगे इनके साइड्स का रेशियो, क्लियर। अब हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो हमें लेना ही लेना है। जो हमारा बी सी है तो बी सी को हम क्या ले सकते हैं, टू बी डी, राइट। और जो हमारा क्यू आर है उसको ले सकते हैं टू क्यू एम, क्लियर। ये इससे कट हो जाएगा, मतलब हम ए बी अपॉन पी क्यू और ये बी डी अपॉन क्यू एम नोट कर सकते हैं, राइट। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों में लेंगे हम। तो इसमें हमने अभी प्रूव किया था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये प्रूव अबव। एंड जो एंगल बी था वो हम ऑलरेडी एंगल क्यू के प्रूव कर चुके हैं, इक्वल, ये भी हम प्रूव अबव कर चुके हैं। Proved above, so by SAS rule. तो SAS rule से हमारा triangle जो ABD है वो similar हो जाएगा triangle किसके, ABD PQM के, right? इसके similar हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, so इनकी जो sides का ratio होगा वो भी equal हो जाएगा, मतलब AB अपॉन पी क्यू इसको टू इसको हम ए डी अपॉन पी एम, राइट। सो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था, ओके, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इस टाइप से एक्सरसाइज जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, थैंक यू।